दस साल मोदी जी की सरकार रही, यहाँ पे मनोहर खट्टर जी रहे, उसके बाद से नायब सैनी जी रहे मुख्यमंत्री, क्या 10 सालों में काम हुआ है? रोड दिखा दूंगा तुझे, ऐसे पटे पड़े उनमें नालों में पानी भरा पड़ा रहा है। काम नहीं हुआ है? काम कहाँ हुआ है जी? देश के लिए क्या क्या किए, कोई दो काम बताइए। मैंने क्या नहीं किया वो बताओ मेरे को, कोई दो काम बताइए। चलो कोई दो काम बताइए। भाई साहब, पहले कांग्रेस टाइम में नौकरी मिलती थी 60 लाख 80 लाख, उनमें नौकरी मिलती थी। 2000 का सिलेंडर ले लेंगे, 1000 रुपए लीटर दूध पी लेंगे। हिंदू मुस्लिम के झगड़े करा रही है बीजेपी, वरना ये सब एक है, एक वोट दें, सब मिलजुल कर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। मैं इस समय हरियाणा में हूं और ये हरियाणा का पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। और जिस तरह से हरियाणा में चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, अभी मैं चक्की चौराहे पर जा के लोगों से राय ले रहा हूं कि इस बार हरियाणा में क्या स्थिति होगी, कि हरियाणा में आखिर चुनाव को लेकर क्या चीज़ें चल रही हैं। भाई साहब हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। भाई साहब, आप यहीं के हैं? हाँ, यहीं के हूँ भाई। चुनाव को लेकर क्या चल रही है, लोगों में क्या खाना फूसी है, क्या ताने बाने हैं, इस बार किसकी सरकार बन रही है? सुन, जो काम अच्छा करेगा उसकी सरकार बनेगी, कोई भी है जो इसमें। 10 साल मोदी जी की सरकार रही, यहाँ पे मनोहर खट्टर जी रहे, उसके बाद से नायब सैनी जी रहे मुख्यमंत्री, क्या 10 सालों में काम हुआ है? क्या काम हुआ, थोड़ा बहुत ही हुआ, ज्यादा कहाँ हुआ। काम नहीं हुआ है? कम होया है काम, कहाँ होया इतना काम। काम तो बहुत हुआ है, आप कह रहे हैं मोदी जी की सरकार है, केंद्र में और राज्य में भी मोदी जी की सरकार है। रोड दिखा दूंगा तुझे, ऐसे पटे पड़े उनमें नालों में पानी भरा पड़ा रहा है। काम नहीं हुआ है? काम कहाँ होया है, तो क्या होगा? नाले देख लो, वहाँ किदाल भरे पड़े है भाई। क्या क्या परेशानियां है आम लोगों को, आप बताइए। मेरी बात सुनो, रोड पे भाई, अगर रोड सही, नाले सही बनेंगे तो पानी नहीं भरेगा। पानी भर के गंदगी होती है ना, नाला एक मुद्दा है, गंदगी होगी बीमारियां फैलेंगी। हाँ। लेकिन और भी तो मुद्दे हैं। मुद्दे नहीं हमारे पास, यही है, सफाई हो जाए, नाला हो जाए बढ़िया, तो बस यही। चलिए, ये भाई साहब है वो कह रहे हैं कि नाला एक मुद्दा है, नाला भरेगा, जो पानियां है नाले की वो सड़कों पे बिखरेगी और वो बीमारियों को लेकर आएगी। तो भाई साहब से हमने जाना, एक और युवा साथी है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, क्या लग रहा है, चुनाव नज़दीक है, 5 तारीख को आप लोग वोट करने जाएंगे, हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बन रही है? भाई मेरे को तो पता नहीं, मैं तो बिहार से हूँ। बिहार से हैं आप? तो यहाँ ज़्यादातर लोग हरियाणा में रोजगार को लेकर देश भर से आते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, तमाम जगहों से लोग आते हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि चुनाव को लेकर लोगों में क्या चल रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये चौराहा है और पास में गांव, एक नूर वाला गांव है, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो फुल्की खा रहे हैं। थे ये मुस्कुरा रहे हैं, भाई साहब क्या कहेंगे, फुल्की खिला रहे हैं सबको, क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है, बीजेपी की सरकार आएगी, बस बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। तीसरी बार मोदी जी बनेंगे, मोदी जी बनेंगे, जीत गए। तीसरी बार तो केंद्र में मोदी जी बन गए हैं, हरियाणा में सरकार बनेगी तीसरी बार। तीसरी बार मोदी जी बन गए तो ये विधानसभा, इसमें भी महिपाल टांडे जी बनेंगे, बनेंगे बनेंगे पक्का। पानीपत ग्रामीण विधानसभा में महिपाल टांडा जी तीसरी बार विधायक बनेंगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें नहीं है कोई रोक टोक, नहीं कोई रोक टोक नहीं है, रियल मने रियल है, अपना प्रधानमंत्री ओके है। चलिए, प्रधानमंत्री नहीं विधायक बनेंगे भाई साहब थे, बीजेपी आएगी वोट जाएगा सारा। क्यों बीजेपी आएगी, क्यों बीजेपी काम हो रहे हैं सब, कमल जी के लेगा देना है क्या हमने पप्पू को? कट्टर हिंदू है जी, कट्टर हिंदू, कट्टर ऐसे मुसलमान है वो, मुसलमान है बिल्कुल है वो, राहुल गांधी मुसलमान है तो कौन गांधी लिखने से गांधी बन जाएगा? वो तो कह दे कि वो पंडित है, आपको हम आम ही बोलेंगे, अमरूद नहीं बोलेंगे। सही, सही, सही। किसकी औलाद थी वो आपको नहीं पता बात? अरे मेरी बात समझो, हम 2000 का सिलेंडर ले लेंगे, 1000 रुपए लीटर दूध पी लेंगे। सही बात, हमने नहीं देना। लेकिन वो भाई साहब कह रहे हैं, रुकिए भाई साहब एक मिनट, आप क्या कह रहे हैं? हिंदू मुस्लिम के झगड़े करा रही है बीजेपी, वरना ये सब एक है, एक वोट दें, सब मिलजुल कर रहे हैं,
उनकी भी सरकार वो गुंडागर्दी चलाती है। हरियाणा का जो चुनाव है वो मुद्दा क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार है कि धर्म है? सुनो मुद्दा तो मुद्दा क्या होता है, बीजेपी चाहती है हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करके वोट ले। कहाँ हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती हो, तो राष्ट्र की बात करती है। नहीं 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 गलत, वो कहती है मुसलमान अलग है हिंदू अलग है, और राष्ट्र की बात नहीं करती है। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं बीजेपी नहीं हूँ, मैं आम आदमी पार्टी से नहीं हूँ। आज से कितने साल पहले, 70 साल इन्होंने राज किया, 65 साल ठीक है किया, और इन्होंने अपनी अपनी चलाई। आज भी मुसलमानों के साथ स्टैंड है ये। हिंदू आप कह रहे हैं कि तब तक लूटेगा नहीं, कहाँ हिंदू लूट रहा है? अरे आने वाले टाइम में अगर इन पप्पू जैसे आगे ना प्रधानमंत्री बन गए तो लूटेंगे ही लूटेंगे। ये बीजेपी है जो संभाल के खड़ी है, अदरवाइज तो लूटेंगे ही लूटेंगे। आपके देश के राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, और अधिकांश आप अगर जम्मू कश्मीर को छोड़ देंगे तो पूरा का पूरा स्टेट में मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी आप हिंदू लूटने की बात कर रहे हैं। अरे आपका ओवैसी क्या बोलता है 15 मिनट के लिए, अभी तो इनका कुछ हुआ नहीं, अगर हो गया ना तो ये लूट खाएंगे। कौन लूट खाएगा? ये आपका मुसलमान ही, 15% मुस्लिमों की आबादी है, 85% आप लोग हैं, कैसे लूट जाएंगे? अरे सुनो मैं बताता हूँ, हमारे घर में डंडा नहीं मिलता, इनके घर हथियार मिलते हैं। कहाँ बैठे हो? और ये मारने मराने में देर नहीं लगाते, आपको भी बता दूं मैं। ये शादी कर ले, हरियाणा में चुनाव को लेकर लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है, वो पता क्या है? कहने को तो कुछ भी कह सकते हो, मैं भी कहूंगा बीजेपी आ रही है, वो तो वक्त बताएगा। सचिन कुंडा जी को लेकर क्या कहेंगे जो पानीपत विधानसभा? हमने ना पहले 4 लालों से अपने गाल लाल करवाए हैं, कांग्रेस के ही थे वो लाल, भजन लाल, बंसी लाल, फलाना लाल, हमने अब लाल नहीं करवाने गाल, वो टाइम हम नहीं भूल सकते, पैसे तऊ देगा, हम नहीं भूल सकते वो। लेकिन उस लोग तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के काल में बहुत अमन चैन था, शांति था। इतना अमन चैन था, यहाँ साले मरने मराने को होते थे लोग, अब कहाँ है? हरियाणा में कहीं दंगा हुआ बताओ मेरे को? अभी जो नूह वाला जो दंगा था वो तो बीजेपी के, वहाँ नूह में क्या था बीजेपी, वहाँ कौन है? वहाँ उंगल लगाने वाला तो यही है ना। लेकिन कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो लोग हैं वो धार्मिक उन्माद फैलाते हमेशा। नहीं, हमने दिल से मानते हैं, हमारे लिए जो इस बंदे ने किया ना ये एक बाप समान है देश का, चाहे वो महंगाई तो हर दौर में आती है। मोदी जी देश के लिए क्या क्या किए, कोई दो काम बताइए। इन्होंने क्या नहीं किया वो बताओ मेरे को, कोई दो काम बताइए। चलो है कोई दो काम बताइए। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उन्होंने नहीं दिया, तो इन्होंने 70 साल में देते रहे हैं, बताओ मेरे को दिया, कहीं नहीं दिया, ये बेवकूफ बना रहे हैं आप। लेकिन जो सरकार है सवाल तो उसी से लिया जाएगा, सवाल तो उसी से हम लोग करेंगे। तो क्यों नहीं नौकरियां मिल रही? ऐसा तो कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल नौकरियां नहीं मिल रही, ठीक है। अगर 2 करोड़ नहीं होगी तो 50 लाख होंगी। यहाँ कुछ युवा है, मैं उनसे भी जानूंगा, जो मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे वो नहीं दिए, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? अगर अपने बोलिए भाई साहब, आज अपने दम पे खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, जो नौकरी की जरूरत समझते हो, ये आत्मनिर्भर भारत हो गया है। सुन भाई साहब, पहले कांग्रेस टाइम में नौकरी मिलती थी 60 लाख 80 लाख, उनमें नौकरी मिलती थी, और इस सरकार में पढ़े लिखे की नौकरी मिलती है अपनी डिग्री से, और इतनी नौकरी मिली हद से पार। देखिए ना कह रहे हैं कि नंबर की बात है, क्या कहेंगे इनके सवाल का आप? मैं कुछ नहीं, मैं वो उनका सवाल जवाब है, मेरा तो है नहीं। पहले इतनी गलियां डूंगी होती थी, सड़कें मतलब फैक्ट्री लाइन में जाते थे, क्या करते थे 4 दिन घर में बैठते बारिश के टाइम में, और इस मल पाल टांडे ने नीचे से उठाकर 8 फुट से स्वर्ग में ले आके दिया। चलिए मैं आप लोगों से एक और सवाल लेना चाहूंगा, जो जेजेपी है, जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है,
उसका भी इस क्षेत्र में जनाधार रहा है, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? भैया ऐसा है, मेरी बात सुनो, गरीब आदमी सोचेगा, गरीब आदमियों के लिए ये खड़े हैं ना, सब गरीब आदमी, सुनो जी दिल तक। चलिए तो आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए।